तो यार दोस्तों, आपको तो पता है आरसीबी ने लगातार 5 मैचेस जीत कर प्लेऑफ में जाने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। आईपीएल की शुरुआत में लगातार मैचेस हारने के कारण आरसीबी पॉइंट टेबल में एकदम बॉटम पर थी, पर अच्छा कमबैक करते हुए आरसीबी करेंटली 12 पॉइंट्स के साथ 6 पोजीशन पर है। केकेआर एंड आरआर तो ऑलरेडी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, अभी सिर्फ 2 पोजीशन बाकी है। मुझे लगता है उन 2 पोजीशन में से एक पोजीशन एसआरएच अपने नाम कर सकती है, क्योंकि उनके ऑलरेडी 14 पॉइंट्स है और उनके अभी भी 2 मैचेस बाकी है। अगर वो उनमें से एक भी मैच जीत जाते हैं तो वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब बचे हुए 4th पोजीशन के लिए 18 मई को सीएसके एंड आरसीबी के बीच नॉकआउट मैच होगा। सीएसके के 13 मैचेस में 14 पॉइंट्स है और उनका नेट रन रेट भी +0.528 है, यानी सीएसके ये मैच जीत जाते हैं तो वो डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएंगे। और बात करते हैं आरसीबी की, तो आरसीबी के 13 मैच में 12 पॉइंट्स है और उनका नेट रन रेट सीएसके से थोड़ा कम है, यानी कि +0.387। इसका मतलब ये है कि आरसीबी को सीएसके को अच्छी मार्जिन से हराना पड़ेगा। अगर माने आरसीबी फर्स्ट बैटिंग करते हुए 200 रन करते हैं तो उन्हें सीएसके के खिलाफ 18 रन से या फिर उससे अधिक रनों से जीत हासिल करनी पड़ेगी। अगर सीएसके ने आरसीबी को 201 रन का टारगेट दिया तो उस टारगेट को 18 ओवर के अंदर आरसीबी को अचीव करना पड़ेगा। तो क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है, सीएसके को हराकर आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो जाएगी? आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ऐसे ही आईपीएल से जुड़े अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।